जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान। तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, मंगलवार का दिन 13 जून, आज चंद्रमा आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहा है। आज सर्वार्थ सिद्धि अमृत सिद्धि योग है। सौभाग्य योग में रेति नक्षत्र बुध और चंद्रमा का प्रभाव 1:32 तक, उसके बाद अश्वनी नक्षत्र का उदय केतु स्वामी होगा। आज आपकी कुंडली में बुध केतु का प्रभाव, राहु की छाया, बृहस्पति और शनि की दृष्टि होगी। आज आपका दिन एक नई उमंग के साथ आरंभ होगा। आज आपके जीवन में जोश, इच्छा शक्ति और भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। आज नई उमंग के साथ जो भी काम को करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता, कामयाबी और खुशखबरी की प्राप्ति होगी। जल्दीबाजी में कोई भी काम ना करें, मेहनत से अपने काम को करें तो आपके बिगड़े काम भी आज आपको सफलता देंगे। कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अच्छे अवसर मिलने से नौकरी व्यापार में तरक्की का योग बनेगा। धन संपत्ति आपके जीवन में बढ़ेगी और पारिवारिक माहौल बड़ा खुशहाल होगा। आज बुध और केतु का प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु की छाया है, बृहस्पति और शनि की दृष्टि है। रेति नक्षत्र में बुध जो आपकी कुंडली में इस समय अष्टम भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है, आपके लिए बड़ा शुभ सौभाग्य लेकर आया है। वहीं अश्वनी नक्षत्र का केतु आपकी कुंडली के लग्न में गोचर कर रहा है। पंचम भाव में शनि का गोचर है। आपकी कुंडली का कर्म स्थान मंगल और शुक्र से प्रभावित है। बृहस्पति आज आपकी कुंडली के सप्तम भाव में राहु के साथ गोचर कर रहा है। ग्रहों की दशा अच्छे परिणाम और बड़ी सफलता आपके जीवन में लेकर आया है। कोई नया काम शुरुआत करेंगे, अच्छी सफलता मिलेगी। व्यापार में लाभ होगा। आपकी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी। जीवन की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और भाग्य का सितारा भी आपका चमकेगा। बुध और केतु के प्रभाव से आप भाग्यशाली बनेंगे। वहीं बृहस्पति शनि से सुख पाएंगे। बुद्धि, चतुराई और अपने बल से धन कमाएंगे। मनोकामना की सिद्धि होगी। सुखी जीवन होगा। नई संभावना आपकी परिस्थिति को बदलेगा। अपने जीवन में आप अच्छे परिणाम की प्राप्ति करेंगे। सौभाग्य सुख देगा, भाग्य धन देगा। जीवन में तरक्की, लाभ का अवसर प्राप्त होगा। बुध और केतु से स्वाभिमान बढ़ेंगे। बुध और केतु से इच्छा प्रबल होगी। आज आपके परिवार में खुशहाली का, सौभाग्य का, लाभ का संकेत है। एक अच्छी शुरुआत आपके जीवन में अच्छे अवसर लेकर आएगा, जिससे आपके जीवन में सुख धन बढ़ेगा। मेहनत से बड़ी तरक्की आप करेंगे और परिवार में समृद्धि। और आज का दिन आपके लिए बेहद ही खास होगा। सुख, सौभाग्य, लाभ, धन और बड़ी सफलता से आपके लिए आज का दिन बड़ा भाग्यशाली साबित होगा, क्योंकि बुध और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में आपके विश्वास को मजबूत बनाते हैं, आपके जीवन के उतार चढ़ाव को दूर करते हैं। समय बड़ा शानदार है। भाग्य और कर्म से आप आगे बढ़ेंगे। मेहनत का फल मिलेगा। बड़ी खुशखबरी, शुभ समाचार और तरक्की के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। जो स्टूडेंट हैं उनकी उलझनें दूर होगी। जो नौकरी पाना चाहते हैं उनके जीवन में बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी, क्योंकि आज लाभ के अवसर मिलेंगे, खुशियां मिलेगी। व्यर्थ के उलझनों से बचते हुए
अपने जीवन में जो आप मेहनत से काम करेंगे उससे तरक्की भी प्राप्त होगी और खुशी भी आपको प्राप्त होगा। जीवन में खुशहाली और आपके जीवन में लाभ का योग सब कुछ बुध और केतु से आपको प्राप्त होगा। कोई अच्छी खबर मिलेगी, धन मिलेगा, सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आपको बड़ा प्रभावित करेगा। आज आप प्रभावशाली भी होंगे, भाग्यशाली भी होंगे, बड़ी उपलब्धि और लोकप्रियता भी आपकी बढ़ेगी। बृहस्पति और शनि के कारण आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, आपके जीवन में तरक्की सौभाग्य का लाभ होगा। साथ ही साथ आज का दिन आपके लिए आपके जोश को बढ़ाने वाला, समय का सदुपयोग करते जाएं, आपकी आमदनी भी बढ़ेगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी आप कर पाएंगे। आपके लिए खुशियों का माहौल और भाग्य का साथ है, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। बेहतर समय है, ऐसे समय में धन बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है और जीवन में खुशियां बढ़ती है। बुध और केतु के प्रभाव से गृहस्थ जीवन में समृद्धि आती है, परेशानी खत्म होने लगती है और भाग्य का साथ है, आपकी बाधाओं को दूर करता है। जीवन में आप आगे बढ़ते जाते हैं, लाभ सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति आपके जीवन में बढ़ता है। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी शुक्र है, द्वितीय चरण का स्वामी बुध है, तृतीय चरण का स्वामी मंगल है तो चतुर्थ चरण का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र इस समय मंगल के साथ आपकी कुंडली के अष्टम भाव को प्रभावित कर रहा है और आपकी कुंडली के कर्म स्थान में गोचर कर रहा है। वहीं बुध जो सप्तम भाव में अपने प्रभाव से आपके जीवन में लाभ का योग बना रहा है और चंद्रमा जो आज आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठकर आपके लक्ष्य को पूरा करेगा, मेहनत आपके जीवन में खुशी और सुख लेकर आएगा। भाग्य का सितारा बुलंद है, आपकी इच्छाएं प्रबल है, उत्साहजनक परिणाम मिलेंगे क्योंकि आज सौभाग्य सुख लाभ सब कुछ आपको प्राप्त होगा। आप अपनी इच्छा की पूर्ति करेंगे और जीवन की मुश्किलों पर विजय प्राप्त करेंगे। आज का दिन मंगलवार का दिन है, हनुमान जी के आशीर्वाद से भाग्योदय होगा, संतान से शुभ समाचार मिलेगा, परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, कोई नया काम करेंगे ज्यादा लाभ होगा, हर्ष आनंद का अवसर जीवन में मधुरता बढ़ाएगा, शानदार अवसर आपके जीवन में खुशी सफलता और सुख लेकर आएगा। आज का दिन बड़ा भाग्यशाली दिन है, सौभाग्यशाली योग है। शुक्र बुध मंगल चंद्रमा चार चरण में आज का दिन व्यतीत होगा जो आपके लिए शुभ है, सौभाग्यशाली है। बुध केतु का प्रभाव और बृहस्पति शनि की दृष्टि से आपके सपने साकार होंगे और आपके जीवन में महत्वपूर्ण काम आपके पूरे होंगे। तो तुला राशि वालों, विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग। 13 जून मंगलवार का दिन, सर्वार्थ सिद्धि अमृत सिद्धि योग, आषाढ़ माह किस पक्ष की दशमी तिथि सौभाग्य योग, रेति नक्षत्र बुध का प्रभाव, उसके बाद अश्वनी नक्षत्र में केतु का प्रभाव। आज का दिन आपके लिए सौभाग्य लाभ का दिन है जो आपके जीवन में खुशी सुख नेतृत्व की क्षमता देगा, जो आपके जीवन में तरक्की का योग बनाएगा जिससे आपके मन की निराशा दूर होगी और भाग्य का सितारा आपका चमकेगा। आज आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे और परेशानियों से आपको राहत भी मिलेगी। आज का दिन सफलता प्राप्त करेंगे, खुशखबरी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आज आपके भाग्य भी बुलंद होंगे और आप अपने जीवन में ज्यादा धन भी कमाएंगे। बुध केतु के प्रभाव से मेहनत का फल भी मिलेगा और बृहस्पति शनि की दृष्टि से जीवन में सुख धन की प्राप्ति भी होगा। घर परिवार में सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी और आपके लिए दिन बड़ा शुभ और भाग्यशाली होगा।
आज राहु काल 3:50 से 5:35 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर व्हाइट होगा, लकी नंबर 4 होगा। ब्रह्म मुहूर्त शुभ मुहूर्त सुबह 4:02, अमृतकाल 11:10 आपके लिए बड़ा शुभ होगा। जबकि सर्वा सिद्धि अमृत सिद्धि 1:32 का समय अश्वनी नक्षत्र में केतु के प्रभाव से आपके सारे काम पूर्ण होंगे। और अभिजीत मुहूर्त 11:53 और विजयी मुहूर्त 2:21 सौभाग्यशाली होगा। आज का दिन शुभ है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में होगी। लाभ सौभाग्य का योग है, धन संपत्ति का योग है। तुला राशि वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, सफलता और आपके भाग्य में तरक्की का सुंदर अवसर प्राप्त होगा। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।